और चलिए अब बात करते हैं पंजाब रिपोर्ट्स की। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पंजाब के एक एक कर सभी हलके के विकास का ब्यौरा रख रहा है ताकि आप क्षेत्र में विकास का आईना देख सकें। आज बारी है जालंधर सेंट्रल विधानसभा सीट की। जालंधर सेंट्रल विधानसभा सीट ये अकाली बीजेपी गठबंधन के तहत बीजेपी के खाते में और इस वक्त इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। पिछले 20 सालों में से 15 साल तक बीजेपी ने इस सीट पर दबदबा बनाए रखा है और इस वक्त भी बीजेपी के विधायक मनोरंजन कालिया इस सीट से विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए इस सीट में सेंध लगाना एक बड़ी चुनौती है। पंजाब रिपोर्ट में आज हम बात करने जाने जलंधर के सेंट्रल हलके की। जलंधर के सेंट्रल हलके से भाजपा और श्रोमणी अकाली दल के मनोरंजन कालिया विधायक हैं। मनोरंजन कालिया ने लगातार 2007 और 2012 में कांग्रेस के उम्मीदवारों को करारी शिकस्त दी थी। जलंधर जिले का विधानसभा हलका सेंट्रल। सेंट्रल विधानसभा हलका शहर का बेहद अहम हलका है क्योंकि शहर के सभी प्रमुख दफ्तर इस हलके में पड़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स, नगर निगम कॉम्प्लेक्स और सिविल अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं इस हलके के अधीन आती हैं। अगर बात इस हलके के सियासी दृश्य की जाए तो बीजेपी के मनोरंजन कालिया यहां से मौजूदा विधायक हैं। मनोरंजन कालिया पंजाब कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं, महत्वपूर्ण मंत्रालयों का काम देखते रहे हैं। 2012 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र बेरी को कड़े मुकाबले में 1065 मतों के अंतर से मात दी थी। 1997 से 2007 के बीच भी मनोरंजन कालिया इस हलके की पंजाब विधानसभा चुनाव में नुमाइंदगी कर चुके हैं, जबकि 2002 में उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा था। पिछले 20 सालों में से 15 साल इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। मौजूदा विधायक मनोरंजन कालिया ने पिछले 5 साल के दौरान अपने हलके का कितना विकास किया, जब ये जानने के लिए हमारी टीम ने हलके के लोगों से बात की तो कुछ लोग विकास के काम से संतुष्ट नजर आए, जबकि कुछ ने कहा कि विकास दावों तक ही सीमित है। 12-19 साल, 1.5 साल तो काफी डेवलपमेंट हुई है। साढ़े जो विधायक है मनोरंजन कालिया जी, उन्होंने काफी डेवलपमेंट कराई है। सड़कें बनाई, सीवरेज पाए, काफी डेवलपमेंट बनाई, अजे भी सड़क बन रही। स्टेडियम साढ़े पिंड वास्ते बन रहा वा, बहुत वधिया वा, बच्चे खेडते सवेरे शाम इतने आके, पर इहदियां कुछ कमियां भी आ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਦੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲੱਭੇ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਭਾਅ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸੀਵਰੇਜ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਸੜਕਾਂ ਕਰੋਲਬਾਗ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੋਲ ਟੂ ਵੋਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, 12 ਫੁੱਟ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ 12 ਫੁੱਟ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣੀ ਆ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 20 ਵਾਰੀ 50 ਵਾਰੀ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਇੱਕ। लोगों की राय से हटकर विधायक मनोरंजन कालिया के मुताबिक उन्होंने अपने हलके का रिकॉर्ड विकास करवाया है। गलियां नालियां बनवाने, सीवरेज डलवाने, पानी के इंतजाम और सड़कों के काम के अलावा खालसा कॉलेज के नजदीक फ्लाईओवर बनवाना, लद्दे वाली रेलवे फाटक पर पुल की मंजूरी दिलवाना और खेलों के लिए स्टेडियम बनवाना वो अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं। 200 करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा इंफ्रास्ट्रक्चर दे उत्ते, सड़कां दे उत्ते, और फ्लावर जिहड़ा है एक गुरु नानकपुर का मंजूर होया, तनो वाली दुकोहा का जिहड़ा है जो नितिन गडकरी जी जलंधर आए हैं उन्होंने घोषणा की है, और इस तरह जिहड़ा है जलंधर दे विच सरकारी कॉलेज पहला कॉलेज है जिहड़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी च लाडो वाली रोड खोलिया गया। इस तरह जिहड़ा हैगा स्टेडियम जिहड़े है 3 का सेंक्शन होया, जिहदे विच ब्रिंग दा स्टेडियम उहदा निर्माण कार्य चल रहा, लगभग 60-70 लाख का, उत्थे नाल एस्ट्रोटर्फ लगाई जाएगी हॉकी दी।
विधायक के दावों से उलट कांग्रेस का मानना है कि विकास का जो भी काम हुआ वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस का तर्क है कि हल्के में बहुत विकास के काम हुए जो यूपीए सरकार की तरफ से शुरू किए गए थे, जबकि मौजूदा अकाली बीजेपी सरकार तो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं दे सकी। जिथे काम की लोड़ थी उत्थे काम नहीं करवाया गया। अज भी असि अंबेडकर नगर चले जाइए, किसी भी स्लम एरिए चले जाइए, लोग गंदा पानी पीन तो मुताज ने। अज असि जलंधर की गल ही कर लीए, सेंटर हल्के की गल कर लीए, जिनी क बीमारी इस हल्के हुई है चिकनगुनिया नाम की, शायद ही किधरे होर हुई हो। अज घर घर के मरीज बैठे है और सिविल हस्पताल के डॉक्टर भी हथ खड़े करके खड़े कि साढ़े को दवाई नहीं है या साढ़े कोई इंजेक्शन वास्ते पैसा नहीं, तो फिर इस डेवलपमेंट नूं या होर कोई डेवलपमेंट नूं असीं की डेवलपमेंट मन्ने। विकास के दावों के साथ बीजेपी इस हलके से हैट्रिक लगाने का सपना दिख रही है, जबकि कांग्रेस के मुताबिक हलके में विकास का कोई काम नहीं हुआ जिसका लोग हिसाब मांगेंगे, जबकि आम लोगों ने विकास को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। आज हमने आपको दिखाया जलंधर के सेंटर इलाके का हाल और वहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि इलाके में डेवलपमेंट हुई है, और कुछ लोगों का कहना है डेवलपमेंट तो हुई है इस इलाके में लेकिन पूरी तरह से विकास अभी तक नहीं हो पाया। जलंधर से कैमरामैन विकी कंबोज के साथ राजीव वधवा, जी मीडिया।